साथियों क्वेश्चन नंबर एक है स्टैटिक जीके से और इस प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर हम 30 क्वेश्चन लगाने वाले हैं। काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यानपूर्वक आपको पूरी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन को पहले खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर मैं पीडीएफ में न्यूज़पेपर डाल देता हूं, द हिंदू, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस, तो आपको एक ही जगह पर सारे न्यूज़पेपर मिल जाएंगे। अगर आपको न्यूज़पेपर चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप पहला क्वेश्चन देख सकते हो, जवारा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है। तो जवारा नृत्य जो धन का उत्सव बनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई है। ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर दो है, निम्नलिखित में से कौन से देश की मुद्रा बिर है। तो बिर मुद्रा एशिया देश की है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर तीन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है। तो छठ पूजा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और मुख्य रूप से बिहार के लोगों द्वारा मनाया जाता है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर चार है, निम्न में से कौन सा भारतीय उपनाम स्वात नदी से प्रारंभ है। तो स्वात नदी से श्रीवास्तव उपनाम प्रारंभ है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर पांच है, बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है। तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कैलाश सत्यार्थी है, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर छह है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 में नहीं खेला गया था। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में ब्रिज खेल नहीं खेला गया था 2020 में, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है, और 2020 के ओलंपिक 2021 में हुए थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर सात है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, सफेद क्रांति के निर्माता कौन है। तो सफेद क्रांति के निर्माता विन कुरियन है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, काफी बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। और अगर आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चन ठीक लगते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर किया करें। साथियों क्वेश्चन नंबर आठ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, त्रिनिदाद और टोबैगो, अना, सूरीनाम, जमैका, कैरेबियन, फिजी, मॉरिशियस और दक्षिण अफ्रीका में निम्न में से कौन सी भारतीय भाषा बोली जाती है। तो इन कंट्रीज के अंदर भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर नौ है, निम्न में से किस राज्य की पुलिस विभाग ने अपहृत व्यक्तियों को अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ किया। तो अपनों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है, ऑपरेशन मिलन उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा शुभारंभ किया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, एलिस इन दी वंडरलैंड का निर्देशक कौन था। तो एलिस इन दी वंडरलैंड का निर्देशक टीम बुर्दोन था, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है, मिस्टर सुमंत मुलगावकर के नाम पर भारत में निम्न में से किस कार का नाम रखा गया। तो मिस्टर सुमंत मुलगावकर के नाम पर टाटा सुमो कार का नाम रखा गया, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। साथियों क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे। तो भारत का प्रथम फील्ड मार्शल SHFJ माने कौश थे, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 13 है, नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक कौन थे। तो नौकरशाही के सिद्धांत के संस्थापक जनक मैक्स वेबर थे, ऑप्शन
बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 है, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित FCRA का विस्तृत रूप है। तो FCRA का विस्तृत रूप फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ध्यान रखना है FCRA का फुल फॉर्म फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 15 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कोलकाता में स्थित है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, काफी बारी इस प्रकार के क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया था एग्जाम के अंदर। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य बन गया है? तो भारत का प्रथम कार्बन मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क कर देना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडान रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? तो स्कोडा चेक गणराज्य देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो महलों का शहर के नाम से कोलकाता को जाना जाता है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कोलकाता को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 19 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आरपीएफ एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। एक रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्रियों को कितनी राशि का बीमा कवर देता है? तो एक रुपए के प्रीमियम पर भारतीय रेल विभाग यात्री को 10 लाख रुपए का बीमा कवर देता है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन जनरली पूछ ले जाते हैं। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 20 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहते हैं? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहते हैं, ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 21 है, अमेरिकी संसद का नाम क्या है? तो अमेरिकी संसद का नाम कांग्रेस है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। और काफी बार ये पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 22 है, चार्ल्स कोरिया एक भारतीय ख्याति प्राप्त है। तो चार्ल्स कोरिया वस्तुकार नगर योजना विशेष ख्याति प्राप्त है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रमकता को किस नाम से जाना जाता है? तो कारगिल की लड़ाई में पाकिस्तान के विरुद्ध भारतीय सेना की आक्रमकता को ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा शुरू की गई थी, ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 26 है, चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है किसने गढ़ा था? तो चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, कंथूरी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो कंथूरी उत्सव भारत के तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 28 है, अप्रैल 2020 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? तो भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। ऑप्शन डी वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों क्वेश्चन नंबर 29 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेना। निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य गंभीरा है। ऑप्शन बी वाला इसका राइट आंसर है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको ये, पश्चिम बंगाल का नकाबपोश नृत्य है गंभीरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 30 है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना। लाई हरा ओबा महोत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो लाई हरा ओबा महोत्सव मेतेई जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन ए वाला इसका राइट आंसर है। ठीक है तो साथियों यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं स्टैटिक जीके से। सो आपको कोशिश करना है 15 से ज्यादा स्कोर करने की। स्टैटिक जीके से नॉर्मली 7 से 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आपको ये सेक्शन कवर करके चलना है ताकि आप इजीली यहां से बनने वाले क्वेश्चनों को कवर कर सकें। और हम स्टैटिक जीके के ऊपर काफी वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके स्टैटिक जीके के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो उन वीडियो को भी देख लेना। काफी बेहतरीन क्वेश्चन हमने वहां पर भी कवर किए हैं जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है और भी हम वीडियो लेके आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।